हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेन नॉलेज। मैं हूं आपका फ्रेंड सचिन। आज इस वीडियो सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं डी मल्टीप्लेक्सर। तो चलिए जानते हैं कि डी मल्टीप्लेक्सर किसे कहते हैं, इसका ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, इसका ट्रुथ टेबल क्या होता है। और डी मल्टीप्लेक्सर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। यह एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है दैट हैज अ इनपुट लाइन्स, वन इनपुट लाइन्स एंड अ 2n आउटपुट लाइन्स। इसमें क्या होता है कि एक सिंगल इनपुट और मल्टी आउटपुट लाइन्स होते हैं इसमें। द मल्टीप्लेक्सर इज अ सिंगल इनपुट एंड मल्टी आउटपुट कॉम्बिनेशनल सर्किट। यह एक सिंगल इनपुट और मल्टी आउटपुट कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है। इट इज अ रिवर्स ऑफ मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर में जनरली क्या होता था फ्रेंड्स कि हम मल्टी इनपुट देते थे तो हमें सिंगल आउटपुट मिलता था, लेकिन इसमें क्या है कि हम इसमें सिंगल इनपुट दे रहे हैं तो हमें मल्टी आउटपुट प्रोवाइड हो रहा है। अगर इसके हम डायग्राम की बात करें तो देख रहे हैं कि हमें सिंगल इनपुट दे रहे हैं तो हमें कितने आउटपुट्स मिल रहे हैं, मल्टी आउटपुट Y1 और Y0। तो जनरली ये हमारा इसका ब्लॉक डायग्राम है। अगर इसके हम ट्रुथ टेबल की बात करें, देखिए S0, S1, यहाँ पे देख रहे हैं हमें मल्टी आउटपुट्स मिल रहा है। जब हम 0 रख रहे हैं तो एक बार हमें 0 मिल रहा है, फिर बार हमें 1 मिल रहा है। जब हम यहाँ पे 1 स्पेयर रख रहे हैं तो हमें 1 और फिर 0 मिल रहा है। तो जनरली फ्रेंड्स ये था हमारा मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर का कॉन्सेप्ट। अगर आपका कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स क्लियर हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स टू एवरीवन।